खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको बॉडी से नाप लेके जो कुर्ती में प्लेट डालते हैं वो प्लेट का नाप लेना भी बताऊंगी और कुर्ती में प्लेट लगाने का निशान भी लगाना बताऊंगी और कुर्ती में प्लेट लगाना भी बताऊंगी। तो इस तरह से आप ब्लाउज़ में भी प्लेट डाल सकते हैं, कुर्ती में भी डाल सकते हैं और इसी तरह से आप गाउन में भी प्लेट लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। आइए मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, अब आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये फीस है कोर्स की और 2 महीने के लिए कॉलिंग टाइम रहेगा। तो आइए हम प्लेट लगाना सीख लेते हैं बॉडी से नाप लेके। आप अपना भी नाप ले सकते हैं इस तरीके से और अपने कस्टमर का नाप भी ले सकते हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है गले में। हाँ, जो हमारी जो कंधे की सिलाई है यहाँ से इंची टेप को लगाना है और यहाँ जो आपकी ये निप्पल आती है चेस्ट के, यहाँ तक आपको नाप लेना है। जितना भी नाप आता है आप उसमें आधा इंच ऐड कर लीजिए। जैसे मेरा नाप आ रहा है 11 इंच पे, तो मैं आधा इंच इसमें ऐड कर लेती हूँ। 11.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी प्लेट का। आपका नाप जितना भी आ रहा है, ये हर किसी का अलग अलग नाप आता है। जैसे किसी का तो 8 इंच पे आ जाता है, किसी का 8.5, 9, 10, 11, 12, 13 इंच तक भी प्लेट का नाप आ जाता है। तो आपको इस तरह से नाप लेना है। और आइए मैं आपको कुर्ती पे निशान लगाना बता देती हूँ और इसके बाद में मैं आपको प्लेट डालना बता देती हूँ। प्लेट डालने के लिए मैंने अपना नाप लिया, मेरा नाप आया है 11 इंच पे, तो मैं आधा इंच इसमें ऐड करके 11.5 इंच पे प्लेट का निशान लगाऊंगी। हमने कंधे से नाप लिया था तो कंधे से ही हम इंची टेप को लगा के प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 11.5 इंच पे, 11.5 इंच पे मैंने प्लेट का निशान लगाया। आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ से सिलाई में चला जाएगा जब हम कंधे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 11 इंच रेडी रह जाएगा। ये गैप हम रखते हैं 3.5 इंच का, तो ये गैप आपको फिटिंग के हिसाब से रखना है। जैसे पतली लड़की होती है उसके लिए हम रखेंगे 3.25 इंच पे, पतली लड़की मतलब 28-32 चेस्ट तक। इससे आगे जो 34-36 जो चेस्ट होती है इनके लिए आप 3.5 इंच पे रख सकते हैं। 40-42 इंच तक हम 3.5 इंच पे ये प्लेट की चौड़ाई रखेंगे। तो मेरी चेस्ट यहाँ से है 20 इंच, मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी फिटिंग का। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच का गैप रखूँगी मैं यहाँ से। अब देखिए प्लेट की लंबाई हमें कितनी रखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम हैवी लेडीज़ के लिए अगर कुर्ती बनाते हैं जिसका पेट थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसके लिए हम प्लेट की लंबाई कम लेंगे, 5 इंच या 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ प्लेट की लंबाई का, क्योंकि यहाँ पे तो पेट आ जाता है लेडीज़ का, तो थोड़ा सा हैवी होने के कारण पेट थोड़ा सा मुस जाता है अगर हम लंबी प्लेट बनाते हैं तो। इसलिए मैं 5 इंच का निशान लगा लेती हूँ और 5 इंच के बीच में आएगा 2.5 इंच पे निशान। अब देखिए यहाँ से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये तो मैंने प्लेट के निशान लगाए फ्रंट साइड की, जो कमर की प्लेट है। अब देखिए हमें प्लेट लगानी है दो और, एक आर्म होल की साइड जाएगी, एक इधर कमर की साइड जाएगी फिटिंग की साइड। तो जो फिटिंग की साइड प्लेट जाएगी वो इस निशान के अंदर मिल जाएगी, जो प्लेट के बीच का निशान है यहाँ पे, और जो आर्म होल वाली प्लेट है वो इस कोने के बीच में मिल जाएगी। देखिए यहाँ से हम इस कोने की साइड इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाया। अब देखिए जो प्लस का निशान है यहाँ से हम 1.25 इंच का गैप रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लस का निशान फिर से बना लेंगे। ये तो आर्म होल की साइड प्लेट जाएगी, यहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। अब देखिए ये जो निशान हमने इस साइड लगाया, और दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे तिकोने में, तो ये प्लेट हमारी कमर की साइड जाएगी इस तरह से। अब हमने जो ये 3 प्लेटों के निशान लगाए हैं इनको हम पक्का कर लेंगे, ताकि ये जो हमने कपड़ा 4 फोल्ड किया है, ये फ्रंट हिस्सा है, ये बैक है, तो नीचे की साइड निशान चला जाएगा। इन निशानों को हम पक्का कर लेंगे।
अब देखिए मैं आपको पक्का करके आगे की प्लेट का निशान बताती हूँ। जो बैक कमर पे प्लेट लगाएंगे उसके लिए निशान, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे कमर के लिए। कमर की फिटिंग यहाँ से आएगी, यहाँ से चाक के लिए कट, और ये आर्म होल और गला कटिंग कर लेते हैं। बैक गला में 5 इंच का कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से कंधे को अलग करके ऊपर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की। अब यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो हमने फिटिंग का निशान लगाया, इस निशान में ये कटिंग मिला देंगे। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट का निशान लगा लिया। अब मैं आपको बैक प्लेट का निशान लगाना बता देती हूँ। देखो, हम इस तरह से कपड़े को पलट लेंगे। यहाँ पे आपको निशान दिख रहे हैं तो आप इनको पक्का कर सकते हैं। अगर आपको ये निशान नहीं दिख रहे हैं तो आपको अपनी कैंची लेनी है और यहाँ से निशान को इस तरह से नीचे की साइड ले लेना है, कैंची को एक दो बार घुमा के। अब देखो, मैं दिखाती हूँ आपको निशान। यहाँ पे बैक पार्ट का निशान यहाँ पे आया है। ये वाले निशान हमें बैक पार्ट में नहीं लगाने हैं, ये प्लेट की लंबाई का निशान आ गया यहाँ तक। अब जो फ्रंट हिस्सा हमने प्लेट रखा था, इसके ऊपर जो निशान है, उन सभी निशानों को पक्का करेंगे। ये फ्रंट हिस्से के निशान है प्लेट के। अब मैं आपको बैक प्लेट का निशान बता देती हूँ। बैक प्लेट हमारी जो कमर होती है वो थोड़ी सी अंदर की साइड होती है, हिप थोड़ी सी बाहर की साइड हो जाती है और कमर थोड़ी सी अंदर की साइड होती है। पीछे से कपड़ा हिलता रहता है। हमें ये बैक प्लेट लंबी लगानी है क्योंकि कमर अंदर की साइड होती है। तो फ्रंट प्लेट हम 5 इंच की लगाएंगे और बैक लगाएंगे 7 इंच की। बैक प्लेट की लंबाई 7 इंच की। देखो, इन निशानों को पक्का कर लेंगे। इस तरह से मैंने प्लेटों के निशान लगा दिए हैं। आप सिंपल कुर्ती में प्लेट लगाएं या फिर अस्तर वाली कुर्ती में प्लेट लगाएं, प्लेट लगाना बिल्कुल बराबर रहेगा। तो आइए मैं आपको प्लेट लगाना बता देती हूँ। अब देखिए, हम कुर्ती में प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्लेट के निशान लगाए हैं वहाँ पे हम पहले सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ दूसरा निशान है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे जो प्लेट लगाने के बाद हटा देंगे। तो आप इस तरह से मशीन की जो जो चाल है वो बड़ी करके, मतलब बड़ी बड़ी सिलाई करके इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखो, इस तरह से यहाँ तक निशान है, यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे निशान पे सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी सेम तरीके से हम इस लाइन पे भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए, एक साइड हमने प्लेटों के निशान की सिलाई लगा ली है। अब सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और सेम तरीके से हमने बैक साइड में जो प्लेट लगानी है वहाँ पे भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट हम सबसे पहले ये वाली प्लेट लगाएंगे जो आर्म होल की प्लेट है, और फिर हम लगाएंगे कमर वाली प्लेट जो साइड में जाती है। ये प्लेट हम किस तरह से लगाएंगे, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, उल्टी साइड जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ से हमें कपड़े को पकड़ना है। अगर आप सूट में अस्तर नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ सिलाई की जगह पे आप निशान भी पक्का कर सकते हैं। आप अपने चौक से यहाँ पे निशान पक्का कर लीजिए जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, और इस तरह से आप कपड़े को पकड़ेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है या सिलाई लगाई है। यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक पैर की दबाई करेंगे कपड़े की। एक पैर मतलब इस पंजे के साइड में कपड़ा चलना चाहिए बिल्कुल बराबर। मशीन की जो चाल है वो बारीक कर लेंगे और जहाँ तक ये सिलाई लगी हुई है वहाँ तक हमें ये सिलाई लेनी है। इस तरह से तिरछी करके, मतलब तीखी करके निकाल देनी है यहाँ पे। देखो, प्लेट की सिलाई इस तरह से लगती है। यहाँ पे हमने एक पैर की दबाई की और यहाँ पे इस सिलाई को तीखी करके निकाल दी है
और यहाँ पे मैंने इतना सा धागा भी छोड़ दिया है। अगर हम यहाँ से धागे को कटिंग कर देंगे तो ये प्लेट यहाँ से हट जाएगी, धागा निकल जाएगा। सेम तरीके से हम ये कमर वाली प्लेट लगाएंगे जो साइड में जाती है फिटिंग की जगह पे। इसी तरह से कपड़े को पकड़ लेंगे और यहाँ पे भी हम कपड़े की एक पैर की दबाई करेंगे। ये प्लेट भी हमें यहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है या आपने यहाँ पे निशान लगाया है, यहाँ तक ये प्लेट हमें कंप्लीट करनी है। देखो हमने एक पैर की यहाँ से दबाई स्टार्ट की और यहाँ पे बिल्कुल पतली करके प्लेट को यहाँ पे निकाल दी है। इस तरह से हमने धागा छोड़ दिया है यहाँ पे। तो सभी प्लेटों में ये धागा हमें छोड़ देना है यहाँ से, नहीं तो ये प्लेट की जो सिलाई है वो खुल जाएगी यहाँ से। अब देखिए हमने एक साइड आर्म होल की प्लेट लगाई है और कमर की प्लेट लगाई है। सेम तरीके से हम ये भी प्लेट लगा लेंगे दूसरी साइड की। इसके बाद में मैं आपको कमर वाली प्लेट लगाना बताऊंगी। अब देखिए हमने ये चार प्लेटें लगा ली हैं, आर्म होल और कमर वाली प्लेट। अब ये जो कमर की जो सीधी प्लेट है ये वाली प्लेट हम लगाएंगे। तो पहले हमने ये जो प्लेट लगाई है दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो कच्ची सिलाई है इसको हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चारों प्लेटें बिल्कुल पतली करके निकली हुई है यहाँ से। अगर आप इस प्लेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे आप सिलाई करते समय यहाँ पे थोड़ी सी दबाई ज़्यादा कर देते हैं तो बाहर की साइड यहाँ पे फुगा आ जाता है और प्लेट अच्छी नहीं लगती है। तो आपको प्लेट इसी तरीके से लगानी है बिल्कुल तीखी करके। अब मैं आपको ये वाली प्लेट लगाना बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ तक हमने निशान लगाया या सिलाई की है वहाँ से कपड़े को पकड़ना है और यहाँ से प्लेट हमें स्टार्ट करनी है। ये वाली प्लेट आपको एक पैर की दबाई से स्टार्ट नहीं करनी है, ये वाली प्लेट आपको किनारी से स्टार्ट करनी है। किनारी से प्लेट को स्टार्ट करेंगे लगाना बिल्कुल तीखी किनारी से और बीच में प्लेट के गहराई देंगे आधा इंच से थोड़ी सी कम और फिर से यहाँ पे हम किनारे पे ले आएंगे इस प्लेट को। देखो इस प्लेट की गहराई इस तरीके से होती है, दोनों साइड तीखी करके निकालनी है और बीच में गहराई होगी आधा इंच से थोड़ी सी कम। सेम तरीके से ये प्लेट लगाएंगे। जब आप प्लेट के लिए यहाँ पे कपड़ा लगाते हैं मशीन के नीचे तो आपका जो कपड़ा है वो इस तरीके से झोल नहीं आना चाहिए कपड़े में, आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल यहाँ पे सीधा होना चाहिए इस तरह से, तब आप प्लेट लगाएंगे तो अच्छी प्लेट लगेगी। तो देखिए मैंने फ्रंट साइड की जो प्लेटें हैं वो कंप्लीट कर दी हैं। इसी तरीके से हम कमर वाली प्लेट लगाएंगे। कमर में हमें दो ही प्लेट लगानी है और कमर की प्लेट जो है फ्रंट प्लेट होती है 5 या 5.5 इंच की और बैक वाली जो प्लेट होती है वो लंबी होती है करीब 7 इंच। तो यहाँ पे हमने लंबी प्लेट का निशान लगाया है, यहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। प्लेट आपको इसी तरीके से स्टार्ट करनी है जैसे हमने फ्रंट साइड में कमर की प्लेट लगाई। ये लंबी प्लेट है इसीलिए इसमें आधा इंच की गहराई दे देनी है आपको। देखिए बैक साइड की ये वाली प्लेट हमने लगा दी है, अब लास्ट प्लेट हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने सभी प्लेटें कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने प्लेट लगाई है, ये बैक साइड की है और ये जो कच्ची सिलाई है इसको निकाल देंगे और यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। और आगे की प्लेट मैं आपको दोबारा से फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से बनी है हमारी जो कुर्ती की जो टुक्की बनी है वो इस तरीके की बनी है, यहाँ से गोलाई होगी और प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी और फिटिंग भी मस्त आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती में प्लेट लगा सकते हैं। बिना प्लेट की कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाना या प्लेट की कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाने का वीडियो आपको देखना है तो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए और खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।